नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर, और मैं हूं आपके साथ विनय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इसी के साथ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसका मतलब डब्ल्यू एच वर्ड, कौन से वर्ड? डब्ल्यू एच वर्ड, इनका रोल क्या होता है? डब्ल्यू एच वर्ड, पहले तो ये समझेंगे कि डब्ल्यू एच वर्ड होता क्या है, किसको कहते हैं डब्ल्यू एच वर्ड। तो इंट्रोगेशन वर्ड यानी इंट्रोगेटिव वर्ड को, प्रश्नवाचक शब्दों को ही क्या बोलते हैं? डब्ल्यू एच वर्ड। अब इनका नाम डब्ल्यू एच कैसे पढ़ा? तो देखो, जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड होंगे, जैसे डब्ल्यू एच ई एन, वेन मीन्स कब, ये डब्ल्यू एच वर्ड है ना, इंट्रोगेटिव वर्ड है। इसके बाद डब्ल्यू एच वाई, डब्ल्यू एच ओ, डब्ल्यू एच ई आर ई, है ना, ठीक। तो डब्ल्यू एच ई एन, डब्ल्यू एच वाई यानी वेन, वाई हु वेयर, डब्ल्यू एच ए टी व्हाट। तो देखो, अधिकतर सब में देखो डब्ल्यू एच आ रहा है ना, डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच, इसीलिए इनको बोला जाता है डब्ल्यू एच वर्ड शॉर्ट में। अब इंट्रोगेटिव वर्ड कहेंगे तो बड़ा लगेगा, इसलिए डब्ल्यू एच वर्ड। तो इनका रोल क्या है, ठीक। तो ये सुना होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। फिर एक पढ़ा होगा कंजंक्शन में, कौन सा कंजंक्शन? तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, है ना, ठीक। तो कंजंक्शन तीन तरह के होते हैं, तो उनमें से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, उनमें भी ये शब्द आते हैं। तो कब ये शब्द होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी ये कंजंक्शन के रूप में कब आएंगे, कब प्रोनाउन के रूप में आएंगे और कब एडजेक्टिव के रूप में आएंगे, आज यही पढ़ेंगे, ठीक। यानी कि हेडिंग क्या पड़ेगी, रोल का मतलब कार्य या भूमिका ऑफ डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड का क्या कार्य है, क्या रोल है इनका, ठीक। तो रोल ऑफ डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक। तो डब्ल्यू एच वर्ड, तो डब्ल्यू एच वर्ड प्रोनाउन का काम करते हैं, किसका, प्रोनाउन का, ठीक। डब्ल्यू एच वर्ड किस रूप में यूज होंगे, प्रोनाउन के रूप में। अब कैसे पता करेंगे कि प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं? तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, बाद में अदर वर्ड, यही तो होता है सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक। तो अब पढ़ाया था हमने सब्जेक्ट में कौन कौन रहता है, तो नाउन प्रोनाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट, यानी नाउन प्रोनाउन या फिर नाउन के समान। तो नाउन के समान कौन कौन से थे, तो दो चीजें थी, एक था जेरंड, दूसरा इन्फिनिटिव, ठीक। तो सब्जेक्ट में कौन रहेगा, या तो नाउन रहेगा या तो प्रोनाउन, ठीक। अब वर्ब में लिखा रहेगा जैसे इज, तो वर्ब से पहले जो लिखा रहेगा वो सब क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक। तो जैसे शुरू में लिखा है व्हाट इज, बोलते नहीं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज योर नेम। तो जो शब्द वर्ब लेगा, अब वर्ब कौन शब्द लेगा, जो सब्जेक्ट होगा, ठीक। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आती है, तो इसका मतलब ये अगर वर्ब है तो इससे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट ही होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट। तो इसका मतलब व्हाट क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट में कौन रहता है, नाउन और प्रोनाउन, ठीक। तो डब्ल्यू एच वर्ड किस रूप में आ गए, प्रोनाउन के रूप में। तो जब भी वर्ब से पहले ये लिखे रहे हैं, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में वर्ब लिख ही रहे, तो इसका मतलब ये किस रूप में है, प्रोनाउन के रूप में, किस रूप में, प्रोनाउन के रूप में। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, है ना, क्वेश्चन मार्क, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। यानी डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में वर्ब रहे तो उसको क्या कहेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड किस रूप में आया है, प्रोनाउन, ठीक। अब एडजेक्टिव, तो नाउन से पहले जो शब्द लिखा रहता है, नाउन से पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव, ठीक।
तो इसका मतलब ये डब्ल्यू एच वर्ड एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है, ठीक, एडजेक्टिव के रूप में। कैसे? यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड इनके तुरंत बाद अगर नाउन है, डब्ल्यू एच वर्ड इनके तुरंत बाद नाउन है, ठीक, इसके बाद वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस मेन वर्ब होगा, बाद में अदर वर्ड, ठीक, क्वेश्चन मार्क। तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, यानी कि नाउन से पहले अगर ये शब्द लिखे होंगे, वेन, वेयर, व्हाट, विच, ये शब्द, तो ये किस रूप में होंगे? एडजेक्टिव कहे जाएंगे, ठीक। एग्जाम्पल जैसे लिखा होगा विच बुक, या व्हाट बुक, है ना, व्हाट बुक या विच बुक। डू यू लाइक मोस्ट, यानी तुम कौन सी किताब अधिक पसंद करते हो? तो विच या व्हाट की हिंदी क्या होती है? कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी। तो देखो, वर्ब से पहले लिखे रहेंगे डब्ल्यू एच वर्ड, तो किस रूप में? प्रोनाउन के रूप में। नाउन प्रोन बुक क्या है? नाउन है, तो नाउन से पहले अगर लिखे हैं तो एडजेक्टिव के रूप में। नाउन से पहले जो शब्द रहता है वो सब क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक। और इसको क्लियर करना है कि 100% होता है कि नहीं, तो ये सब आर्टिकल में कंफर्म होगा, ठीक। तो अभी के लिए याद कर लेंगे, नाउन से पहले क्या रहता है? एडजेक्टिव ही रहता है, ठीक, 100%। अगर नाउन सिंगुलर है और कॉमन नाउन है तो 100% एडजेक्टिव रहेगा, ठीक। अब ये तो हो गए डब्ल्यू एच वर्ड दो रोल में, एक हुआ प्रोनाउन, दूसरा एडजेक्टिव। अब यही डब्ल्यू एच वर्ड का तीसरा रोल होता है कंजंक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, एग्जाम में इसी से आता है। डब्ल्यू एच वर्ड का कंजंक्शन वाला रोल क्या होता है, ठीक। तो इसको समझने के लिए पहले हम तीन एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक। तीन एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे? तुमको ऐसा लगेगा जैसे तीनों सही हो या दो सही हो। जैसे पहला लिखा हमने आई डोंट नो, आई डोंट नो यानी मैं नहीं जानता हूं, हिंदी में बोलते हैं ना, मैं नहीं जानता हूं कि तुम्हारा क्या नाम है। तो आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क। आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, पहला ये लिखा। दूसरा, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, फुल स्टॉप है। अब तीसरा, आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज, फुल स्टॉप। आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क है, ये एन है, ठीक। तीसरा, दूसरा, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, ठीक। हिंदी में इसको अगर लिखेंगे तो इसकी हिंदी बनेगी, मैं नहीं जानता हूं कि तुम्हारा क्या नाम है, या ना मुझे नहीं पता है कि तुम्हारा क्या नाम है, ठीक। अब कोई कई दिनों बाद मिला, ठीक, बोलने लगा कि और पहचाने, क्या कहोगे? मुझे नहीं पता आपका क्या नाम है ना, तो वही लिखा है इंग्लिश में। तो आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, फिर दूसरा लिखा है आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, दोनों सेम लिखे हैं लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है, ये फुल स्टॉप है। फिर लिखा है तीसरा, आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज, ठीक। तो अभी हमने पढ़ाया था कि वर्ब से पहले लिखा रहेगा डब्ल्यू एच वर्ड तो क्या होगा? प्रोनाउन होगा, ठीक। अब प्रोनाउन कब होगा? जब सेंटेंस की शुरुआत करेगा, है ना। सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से, है ना। तो क्या ये सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है? व्हाट, शुरुआत कौन कर रहा है? ये आई कर रहा है। अगर इतना होता, इतना इसको छुपा लें, व्हाट इज योर नेम, तब ये सही है पहला। अगर ये इतना छुपा लें, इतना यहां से व्हाट इज योर नेम लिखा रहा है, ये छुपा रहा है, तो ये सही है। अब ये लिखा है आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, ठीक। तो सब्जेक्ट यानी सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से। तो ये सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि शुरू में नहीं लिखा है, ठीक। तो अब क्या होगा? तो कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन का काम क्या होता है?
तो समान चीज को समान चीज से जोड़ता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, बीच में आता है कोई कंजंक्शन। ठीक, इसके बाद फिर से सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड फुल स्टॉप। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस एक ही हो गया क्लाउज प्लस कंजंक्शन, बीच में कोई कंजंक्शन आ गया, दूसरा क्लाउज जुड़ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये क्लाउज क्या होता है इसको भी बताएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस कंजंक्शन, इसके बाद फिर से सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। कोई कंजंक्शन का क्या काम होता है, दो सेंटेंस यानी दो क्लाउज को जोड़ना। तो देखो एक ये क्लाउज लिखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, ये लिखा है आई डोंट नो। ठीक, ये क्लाउज हो गया। सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट की शुरुआत करेगा, सब्जेक्ट से होगी शुरुआत, इसमें तो हो गई। इसमें देखो लिखा है व्हाट इज योर नेम। तो अब ये तो प्रश्न पूछ रहा है ना कि व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, ये लिखा है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क होगा तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, लेकिन समान को जोड़ता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, तो इसके बाद भी क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड फुल स्टॉप। ये तो गलत हो गया पहला, तो पहला गलत हो गया। दूसरा लिखा है आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, तो ये अगर मान लो एक क्लाउज है तो ये बीच में क्या होता है, बीच में आएगा तो कंजंक्शन होगा। अब कंजंक्शन है तो तुरंत बाद में सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, तो क्या सब्जेक्ट है यहाँ पे, नहीं है, ये गलत हो गया। अगर तुम ये कहते हो कि ये सब्जेक्ट है व्हाट, तो सब्जेक्ट होता तो शुरुआत करता ना सेंटेंस की, शुरुआत कहां से है, आई से, तो सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता। क्या होगा फिर, बीच में लिखा है तो कंजंक्शन होगा। अब कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट तो होना चाहिए बीच में, तो सब्जेक्ट तो नहीं है ना, इसलिए गलत हो गया। तीसरा आई डोंट नो, ये सब्जेक्ट हुई, ये वर्ब हुआ, ठीक, ये भी वर्ब है, हेल्पिंग है, ये मेन वर्ब है। व्हाट ये हुआ क्या, कंजंक्शन। अब देखो लिखो योर नेम, सब्जेक्ट हो गया ना योर नेम, ये लिखा है वर्ब, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बीच में आ गया ना कंजंक्शन, फिर सब्जेक्ट इसके बाद वर्ब, तो ये सेंटेंस सही होगा। जबकि लग कौन सा रहा था, पहला कि आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, ये गलत है। ठीक, तो तीन रोल में यूज होता है डब्ल्यू एच वर्ड, पहला प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के यूज में होगा तो शुरुआत करेगा सेंटेंस की, है ना, शुरुआत करेगा सेंटेंस की। अब एडजेक्टिव के रूप में होगा तो नाउन से पहले होगा, नाउन से पहले तो है नहीं। ठीक, अब अगर बीच में होगा कंजंक्शन के रूप में, तो कंजंक्शन का क्या काम होता है, दो शब्दों या दो सेंटेंस को जोड़ना। तो देखो एक को ये जोड़ रहा है, दूसरा इसको जोड़ रहा है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब है, तो ये अगर कंजंक्शन है तो इसके बाद भी सब्जेक्ट होना चाहिए। ये कंजंक्शन हुआ तो सब्जेक्ट है नहीं, वर्ब लिखा, तो इसलिए गलत हो गया। दूसरे में भी यही काम है, ये भी गलत हो गया। तीसरा सही लिखा है, सब्जेक्ट है वर्ब फिर कंजंक्शन है, फिर इसके बाद ये सब्जेक्ट लिखा है फिर वर्ब लिखी हुई है। ठीक, अब ये क्या हो गया, ये सही हो गया, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब अदर वर्ड कंजंक्शन फिर सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, ये जोड़ दिया बीच में। ठीक, तो ये तीसरा वाला सही होगा कि आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज। ठीक, अब इसी तरह दूसरा सेंटेंस बोलना हो कि मुझे नहीं पता तुम कहाँ रहते हो, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ रहते हो, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, इसी की इंग्लिश कमेंट करनी है, कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता हूं कि तुम कहाँ रहते हो, इसकी इंग्लिश। ठीक, लिख लो, मुझे नहीं पता या मुझे नहीं मालूम या मैं नहीं जानता हूं कि तुम कहां रहते हो। तो तीन तरह से यूज होता है, प्रोनाउन के रूप में, एडजेक्टिव और कंजंक्शन के रूप में। तो कैसे पहचानेंगे, तो प्रोनाउन के रूप में होगा तो वर्ब से पहले लिखा होगा, एडजेक्टिव में लिखा होगा तो नाउन से पहले लिखा होगा, तो एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा। आप कंजंक्शन क्या होता है कि एक क्लॉज पहले होगा, बाद में भी एक क्लॉज, बीच में लिखा होगा तो कंजंक्शन होगा। ठीक, अब अगर कंजंक्शन के रूप में लिखा है तो बाद में सब्जेक्ट जरूर रहेगा, तो सब्जेक्ट हो गया, बाद में वर्ब आएगी, तो एक ये सेंटेंस यानी क्लॉज, एक ये क्लॉज, तो दो क्लॉज को जोड़ दिया, अब ये कंजंक्शन है। ठीक, तो तीन रोल में यूज होता है डब्ल्यू एच वर्ड, इसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसको
इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और इसको बोलते हैं कंजंक्शन को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक, इसी से क्लाउज से ही सेंटेंस बनता है, वो सब पढ़ाया जाएगा। तो लिख लिया होगा कि मुझे नहीं मालूम या मैं नहीं जानता हूं कि तुम कहां रहते हो, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में करना। ठीक, अगले वीडियो में आप इसकी हिंदी भी बता देंगे, हिंदी इंग्लिश भी बता देंगे। ठीक, कि मुझे नहीं मालूम तुम कहां रहते हो। ओके, थैंक यू।